बचे हुए होंगे, फर्स्ट वीडियो आफ्टर कोरोना क्राइसिस और जब से आप लोग घर पे बाउंड हुए हैं या आपके घर से निकलना बहुत कम हुआ है। कोशिश हो रही थी कुछ किया जाए आपके लिए, अंदर से जो पेंशन है लोगों की खिदमत करने के लिए, बट समझ नहीं आ रही थी कि हाउ टू डिलीवर इट और किस तरह किया जाए और इफेक्टिव हो, मतलब जस्ट इसलिए नहीं कि खिदमत हो जाए बल्कि रियल में खिदमत कैसे की जाए। सो सबसे पहले आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया digitalmarketer.com/lab-plus, इसको ज्वाइन करें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये digitalmarketer.com वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ से सर्टिफिकेशन की है। सर्टिफिकेशन की क्या अहमियत है और क्या चीज़ें, वो सारी मैं आपको अपडेट करूँगा। आज मैं क्यों इतना एक्टिव हो गया हूँ और सारी चीज़ें इसलिए एक्टिव हो गया हूँ कि आज लास्ट डे है, इन्होंने एक्सटेंशन कर दी है रिसेंटली, मुझे कल या परसों मुझे पता चला कि जनाब उन्होंने एक्सटेंशन कर दी, क्योंकि 31 मार्च तक उन्होंने फ्री एक्सेस अपना ओपन किया था। अभी आपको अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, फ्री में अपना अकाउंट बनाते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड कुछ पेमेंट नहीं करनी, तो 15 दिन तक आपको और एक्सटेंशन मिल जाएगी। सवाल ये आ रहा है कि 15 दिन के बाद क्या होगा और जो है साइनअप किस तरह होगा, वो चीज़ें मैं अपडेट करूंगा। 15 दिन के बाद क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं तो पेड इनकी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, जो कि मुझे पता मोस्ट ऑफ द हम लोग नहीं पाकिस्तानी नहीं करेंगे। सो मेरा जो फोकस है और कुछ एक्सपीरियंस जो डिजिटल मार्केटिंग से और कुछ अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा कोर फोकस ये होगा कि हाउ टू हेल्प यू कि 15 दिन के अंदर किस तरह इफेक्टिवली इस लर्निंग को, इस एक्सेस को आप इंजॉय के साथ साथ कुछ हासिल करने में कामयाब हो सके। कौन सी सर्टिफिकेशन आपको करनी चाहिए, अब अगर उसकी आप मेरे ख्याल से 9 से 11 की सर्टिफिकेशन होगी, कौन सी आपको करनी चाहिए, किस कंटेंट को आपको वॉच करना चाहिए, ठीक है, किसको एनालाइज करना चाहिए और किस तरीके से अपना प्रोसेस या अपना रोड मैप डिफाइन करें कि आप इस कोर्स से, इस एक्सेस से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि द पीपल हु आर गोइंग टू डू सर्टिफिकेशन, कोई एक भी सर्टिफिकेशन अगर digitalmarketer.com से आप कंप्लीट करते हैं विद ऑनेस्टी लर्निंग के साथ, तो आप बहुत से डिजिटल मार्केटर जो मार्केट में उनसे स्टैंड आउट करेंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी, बिकॉज दे आर द पायनियर्स और दे नो वॉट दे आर डूइंग, बिकॉज द बिजनेसिस दे आर रनिंग और जो मल्टी मिलियन डॉलर्स के बिजनेसिस रन कर रहे हैं अपने और क्लाइंट्स के, जो कि इन्हीं की डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को यूज कर रहे हैं, इधर से ही लर्निंग कर रहे हैं। मुझे क्या फायदा होगा, मुझे फिलहाल तो अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा इसके 15 दिन की सरदर्दी अपने सर ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि आपको हेल्प आउट कर सकूँ, ठीक है। ग्रुप भी यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस ग्रुप में क्या होगा, 15 दिन जब तक इस प्रोग्राम का एक्सेस है, आपको रेगुलरली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँगा, काइंड ऑफ अ कोचिंग आपको कर रहा हूँगा कि वॉट शुड यू डू एंड वॉट आर द स्टेप यू शुड टेक। अगर आप न्यूबीज हैं तो फिर कौन सा इसमें से कोर्स आपको देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। अगर आप प्रो हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, राइट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तब कौन सा कॉन्टेंट इसमें देखना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए अगर आपको कॉन्टेंट देखना है तो तब आप कैसे कॉन्टेंट करें, राइट। अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए क्लाइंट्स को लेने के लिए आपको कौन सा कॉन्टेंट देखना है और क्या प्रोसेस से गो थ्रू करना है ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। तो थीम या प्रोसेस सिंपल सा जहन में जो चीज कॉन्सेप्ट आई है कि भाई 15 दिन का ये फ्री एक्सेस है, लेकिन हमारे ज्यादातर लोग 15 दिन के बाद इसको पेड में नहीं जाएंगे, 99% चांसेस यही है। तो 15 दिन के अंदर कैसे इफेक्टिव काम किया जाए, कैसे इफेक्टिव गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाए ताकि आप उसे बेहतरीन फायदा उठा सकें। अच्छा, सवाल एक आता है और प्रॉब्लम जो आती है कि जनाब जो हम लोग करते हैं हमारी कॉम करेगी, वो क्या करेगी कि 15 दिन का एक्सेस होकर डाउनलोड करना शुरू कर देगी और पता नहीं सारे टूल्स लगा लेगी और 15 दिन सिर्फ डाउनलोडिंग में लगा देंगे। बट आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, मुझसे लिखवा ले कहीं भी, द पीपल हु आर गोइंग टू डाउनलोड द रिसोर्सेज विच आर नॉट एथिकली और लीगली अलाउड टू डाउनलोड, खासतौर पर जो वीडियोज वगैरह का डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है, बाकी कॉन्टेंट का ऑप्शन है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे उसका। वो लोग जो चाहे एक वीडियो को वॉच करें या एक कॉन्टेंट को गो थ्रू करें, वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। तो मैं लीगली एथिकली सारी चीजों को फॉलो करके आपको गाइड करने की वहां से कोशिश करूंगा। सो
लिंक दे दिया आपको, फ्री में ज्वाइन कर लें, कुछ पैसे आपको नहीं पे कर ले, इस लिंक पे जाएं, आपको ग्रीन बटन नजर आएगा, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन अगर आपके पास आ रही है तो लेट मी नो कि कैन यू सी माई स्क्रीन, अगर आप मुझे चैट में अपडेट कर दें तो मुझे आसानी हो जाएगी और आपके फायदे के लिए काम कर। ठीक है, कैन यू सी माई स्क्रीन? और आपको ये डिजिटल मार्केटर का जब मैं पेज पे जाता हूँ तो आपको नजर आता है, राइट? अगर आप मुझे चैट में अपडेट कर दें, मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, और अगर आप चैट में बताएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डिजिटल मार्केटर की आई गेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, आप जाते हैं इस लिंक के ऊपर, digitalmarketer.com/lab-plus, इस पे सिंपल आप जाते हैं। ये राइन डाइस है, ठीक है, चीता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फ्री में आपको एक्सेस मिलेगा, इस ग्रीन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल जाके कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, बल्कि बोटा बड़ा उसने मेंशन किया, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, नो कंडीशन, कुछ भी नहीं है। 31 मार्च तक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कल एक्सेस बंद हो जाएगा। नाम दें, अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, ईमेल दें, कंपनी अगर कोई भी नहीं है तो इसको एम्प्टी रहने दें, और एजेंसी ज्यादातर आप लोगों की नहीं होगी तो नो करके इसको क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन पेज पे आपको ले जाएगा। लॉगिन की आपको जो डिटेल्स वगैरह है आप स्पैम में चेक कर लीजिएगा, digitalmarketer.com से आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट? अब है क्या इसके अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। 10,000 से प्लस जो है पेड जो मार्केटर्स हैं वो इसको यूज कर रहे हैं। जरा कैलकुलेशन के लिए प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारा ढक्कन खुले कि ये वाकई में कोई हमें फायदा देगी भी या नहीं देगी। मैं चाहता हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं खोल के और जो है ना पकड़ के जबरदस्ती सबको बिठा दूं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करवाने के लिए। क्यों? वॉट एवर बिजनेस और वॉट एवर फील्ड यू आर राइट नाउ, और खास तौर पर जिस तरह ये कोरोना हिट कर गया, डिजिटल मार्केटिंग का बूम है, फ्यूचर है, और हर किसी को रिक्वायर्ड है, या करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी आपको अपने बिजनेस के लिए। 10,000+ इनके पेड मेंबर्स, और एवरेज जो इनका मिनिमम पैकेज है वो $47 का है, $4,70,000 पर मंथ, 4,70,00,000 पाकिस्तानी से ऊपर पर मंथ इनको पेमेंट हो रही है। आपके लोकल या आपके सराउंडिंग में कितने बिजनेस हैं जो ये काम कर रहे होंगे? नहीं है तो फिर ये बात जरा सुनिएगा, राइट? इसके साथ साथ दे आल्सो रनिंग मल्टीपल ब्रांड्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं, राइट? डिजिटल मार्केटर जो सबमिट करता है, 3,000 से लेकर 5,000 के करीब पेड लोग आते हैं, जो कि $1,000 करीब का टिकट होता है। अब कुछ बात समझ आ रही है कि व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, राइट? यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो रियल में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेसेस कर रहे हैं, या उधर वहां पे वो सर्विसेज या उनके साथ टीम के तौर पर हैं। आपको मिलेगा क्या इसके अंदर? प्ले बुक्स, वो सारे जैसा 36 मार्केटिंग प्ले बुक्स, वो सारे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। एक और चीज बताऊं, ये कोर्स क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट और क्या है इसकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है? जिस तरह मैंने किया दीप गया हूं, आपको पता है डिजिटल मार्केटर वालों की जो बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो प्रमोशन होती है वो कैसे होती है? उनकी प्रमोशन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आप तब तक एलिजिबल नहीं है प्रमोशन के लिए जब तक जितनी लर्निंग्स आपके पास हैं उसको आप दूसरे को कन्वर्ट नहीं करते। मतलब ये कि आप काम कर रहे हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के ऊपर, आपने पूरा एक सिस्टम, पूरी एजुकेशन, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज का सिस्टम बनाना है, प्रोसेस बनाना है जो आप दूसरे को ट्रांसफॉर्म करें। अगर वो दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बता रहे हैं तब यू आर अलाउड या यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोमोशन। इसका मकसद क्या है, इसका प्रोसेस का रखने का उनकी थीम ये है कि नॉलेज एक बंदे तक ना रहे, सबके पास जाए और ग्रोथ करे। तो उन्होंने इको सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि प्रोमोशन चाहिए जो तुम्हारे पास है वो शेयर करो बाकी लोगों के साथ, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट? सो दैट इज व्हाई कि यहाँ पे जो कंटेंट है इनकी टीम ने बनाए हुए हैं ज्यादातर, और वो है जो उस पे काम कर रहे हैं। सो फेसबुक एड्स अगर आप रन करना चाहते हैं, गूगल एड्स रन करना चाहते हैं, ईमेल फॉलोअप कैंपेन करना चाहते हैं, राइट? और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें, हर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है जो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सी आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आती है, प्रो लॉन्च के लिए, फनल के लिए, ईमेल लिस्ट के लिए, राइट? 1 मिनट फेसबुक वीडियो एड्स, ब्लॉग कंटेंट के लिए, कस्टमर एवेटार, लीड मैग्नेट,
और इसी तरह 22 और प्ले बुक्स हैं जो कि आपको एक्सेसिबल है, राइट। अब ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो मेरी कोचिंग मैंने क्यों रखी 15 दिन के अंदर, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ आपका सिस्टम में सिर्फ डाउनलोड होकर पढ़ी ना रहे बल्कि यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट, राइट। और 15 दिन अगर आप मुख्तस कर लेते हैं, खासकर आजकल आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, मैं गारंटी करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसके साथ ये जो मैं बात कर रहा था टीम के लिए कंपनी, ये 11 मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेशन है, राइट। कॉपी राइटिंग के आप थ्रू वर्ड सेल करते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअली प्रोग्राम को सेल करते हैं $495 का एक को, लेकिन आपको इस मेंबरशिप के अंदर साथ मिलता है पेड ट्रैफिक। मैं सर्टिफिकेशन करने से पहले ये समझता था, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस, बल्कि उस टाइम पे 12 साल का एक्सपीरियंस, तो यूजर्स आपको बहुत कुछ आता है, आपको सारी चीजें पता है, आपको सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है, जो आप में से अक्सर लोग सोचते हैं, राइट। तो मैं भी ये सोचता था, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, पैसा जेब से लगाया तो जाहिर सी बात है फिर सीखना भी था। पैसा लगा के जब किया, बिलीव मी वी ऑल नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द पीपल्स हु आर डूइंग आउट, हु आर द बेस्ट, क्यों ये समझना जरूरी है। सर्टिफिकेशन से पहले कोई चीज यहां थी, कोई चीज यहां थी, कोई चीज यहां थी, और चीजें बिखरी हुई थी, सिस्टम नहीं थे कि ये चीज किससे कनेक्ट होगी और क्या चीज फायदा देगी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन फील्ड के अंदर कि हमारे पास हम हर तीसरी चौथी चीज की तरफ जा रहे थे। हम ब्लॉगिंग कर लें, एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, हम इवेंट ब्लॉगिंग कर लें, हम अमेजोन कर लें, हम ई कॉमर्स कर लें, हम इधर बटे हुए और हमें समझ नहीं आ रहा कि चीजें क्यों नहीं वर्क आ रही, राइट। सर्टिफिकेशन हेल्प्स यू सी व्हाट इज राइट फॉर यू और व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू, किसको रखना है, किसको रिमूव करना और कैसे सिस्टमैटिक प्रोसेस से जाना है। इट इज नॉट अबाउट कि 5 चीजों में 10 चीजों में आप बटे हुए, इट इज अबाउट उनको कंबाइन करें, फोकस करें और अपने गोल की तरफ जाएं, राइट। सो कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर को कैसे लेना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या फनल है, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, राइट। इसी तरह कॉन्टेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, राइट। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग, के ईमेल इज इट इज नॉट ओनली अबाउट कि ईमेल बनाई तक करके सेंड कर दी, इट इज अबाउट उनको कैसे नर्चर करना है, राइट। उनको किस तरह आपने लीड्स में कन्वर्ट, लीड्स के बाद उनको कन्वर्ट करना है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, किस तरह उसको नर्चर करना है, क्या कंटेंट देना है, वो सारे एलिमेंट उसका प्रोसेस। ईमेल पहले जो आपकी है सब्जेक्ट, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होगा तो ओपन होगा, ओपन के बाद टॉप की हेडलाइन जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो यूजर पूरा उस कंटेंट को या रीडर जस्ट पूरे कंटेंट को रीड आउट कर सके, राइट। और फिर कहाँ पे क्या स्टेप्स लेके आने, पूरा सर्च मार्केटिंग SEO जिसकी बात होती है, राइट, और दे आर द पीपल हु आर डूइंग सर्च इंजन मार्केटिंग एट द बेस्ट, तो वो कैसे की जाए। कन्वर्जन फनल मास्टरी, के लोग आ गए, साइन अप हो गए, फ्री में कंटेंट को ज्वाइन कर लिया, अब उसको कैसे कन्वर्ट करें, जितना आपको अभी पता चल भी जाएगा शायद ईमेल इनकी तरफ आएंगे, राइट नाउ जब से फ्री कंटेंट इन्होंने अवेलेबल किया कोरोना की वजह से, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग साइन अप हो चुके हैं फ्री अकाउंट्स में। अब हम पाकिस्तानी, हम तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के आदी नहीं है, राइट। सो हमें क्या खबर कि भाई पैसे के बाद इसके बाद भी जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है कि द पीपल हु सी द वैल्यू दे विल गोइंग टू अपग्रेड, दे आर गोइंग टू पे बिकॉज दे सी द वैल्यू। अभी जो रिसेंट अपडेट हो, मैं कहीं पर इनके स्टार्ट को फॉलो कर रहा था, तकरीबन 700% इंक्रीज आया है इनके ट्रायल में, राइट। ट्रायल क्या कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज्वाइन करते हैं, 15 दिन का, महीने का जो भी इनका ट्रायल पीरियड है, उस दौरान आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं होती है। आफ्टर ट्रायल पीरियड अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मंथली आपकी पेमेंट चार्ज होती है, अगर आपने एनुअल पे किया हो तो वो चार्ज होता है, अगर आपने डिसकंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप ईमेल कर देते हैं और ये अकाउंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये आपसे पैसे नहीं चार्ज करते, राइट। तो अब अंदाजा लगाएं कि फ्री देने की वजह से वो 700% इंक्रीज आया, राइट। और ब्रांडिंग, और जिसमें से अक्सर लोग, जब आप लोग अब भी जाओगे जब कंटेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। अच्छा, इसके साथ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का बूम है, हर कोई सोशल मीडिया पे काम करना चाहता है, कैसे किया जाए, किस प्लेटफॉर्म पे किया जाए, क्या इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज किए जाए, राइट। और ये तकरीबन अगर इन कोर्स इन सबको ओपन करके आप देखेंगे 8 से 10 आवर्स का ये एवरेज कंटेंट है, असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, बहुत डीप है, दिमाग की दही बन जाती है, आपको बहुत चीजें सीखना पड़ती हैं, आपको साथ गूगल ओपन करना पड़ेगा,
तब जाके आपको वो वर्ड्स को समझना पड़ेगा, जो टर्मिनोलॉजीज है राइट, ये सही आपको सर्टिफिकेशन जो है ना कंप्लीट करेंगे तो मजा आ जाएगा, जो कंप्लीट लर्निंग करके करेगा। कुछ ऐसे लोग भी जो सियाने हैं जो सिर्फ कागज के रद्दी के पीछे भागेंगे तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे राइट। और एक चीज मैं अक्सर कहता हूं, आप बेवकूफ उसको बना सकते हैं जिसको नहीं पता होता। आपका सर्टिफिकेशन उसको तो अट्रैक्ट कर सकता है जिसको नहीं पता कि ये क्या चीज है, बट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा जिसको पता है कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या ऐसे होती है। वो जब आपसे चार सवाल पूछेगा, चार चीजें पूछेगा, चार काम देगा, तो वो सामने नजर आ जाएगा कि व्हाट यू आर सेइंग और आपकी सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है राइट। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो रियल वैल्यू है योर स्किल की, इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन, डाटा, डाटा इज द किंग। आगे आने वाला वक्त डाटा का, डाटा को कैसे एनालाइज करें, लीड्स आ गई कैप्चर कैसे करके उनको फनल में कैसे कन्वर्ट करें, हाई एंड टिकट की तरफ कैसे लेके जाए राइट। सो वो चीजें आपको इसमें सीखने का मौका मिलेगा। कम्युनिटी मैनेजमेंट, दिस इज द बिग रॉकेट साइंस, जो कि इट इज नॉट अबाउट फेसबुक का ग्रुप ऑन करके बैठ गए, दे आर रनिंग अ कम्युनिटी ऑफ 10,000 पीपल जो कि मंथली उनको पे कर रहे हैं अराउंड $47 से लेकर $97 $297 के अराउंड भी वो पे कर रहे हैं। उस कम्युनिटी को कैसे मैनेज करना, वहां पे उन्होंने कम्युनिटी मैनेजर बिल्डअप किए, उस कम्युनिटी मैनेजर से ये पूरा सर्टिफिकेशन करवाइए कि जनाब टेल द पीपल, क्रिएट द कोर्स दैट हाउ यू आर मैनेजिंग सच अ बिग कंपनी और टीम ऑफ क्या कहते हैं मेंबर्स जो कि मंथली रिटेन है, और वो रिटेन है तो हर महीने अगर आपने, मैंने कैलकुलेशन जितना बताया तकरीबन $4.5 लाख, $4.25 करोड़ पर मंथ का बिजनेस मॉडल है जनाब। ई कॉमर्स सबने ई कॉमर्स करना है ना आजकल, तो हर कोई ई कॉमर्स कर रहा है, आप भी कर लें जनाब, किसने रोका आपको ई कॉमर्स करने से, कर लें क्योंकि पैसे बहुत नजर आते हैं राइट। करें आजकल ई कॉमर्स करना कितना आसान काम है राइट। वेयर इज योर प्रोडक्ट, तो अगेन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, बहुत सी चीजें, तो वो चीजें समझ आएंगी कैसे सिस्टम बनाना है। अगर आप वाकई में कर रहे थे ई कॉमर्स और रियल बिजनेस की तरफ थे, जो आपके लूप होल्स आए, जो डेड लॉक्स आई हैं, वो कैसे कवर कर रहे हैं सारी चीजें, तो ये आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगी। सो आई विल गाइड यू इन दैट 15 डेज फ्री कोचिंग जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ, लिंक यहाँ पे आपको ऊपर मिला हुआ है, कि क्या चीज आप करें ठीक है। और वो जाहिर सी बात है जब कोचिंग क्या है कि जब मैं आपसे पूछूंगा जनरल कुछ सवाल, वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वॉट इज योर विजन, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकूं। अब जैसा मैं डाटा की बात करूं, मैंने तीन अटेम्प्ट्स या दो या तीन अटेम्प्ट्स की होंगी इस डाटा की सर्टिफिकेशन को, नहीं कर सका, मान लेना चाहिए ना, जो नहीं काम होता राइट, हर जगह तो नहीं चैंप होते ना राइट, तो नहीं कर सका। पता नहीं क्या मगज मारी, क्या कुछ जिन्होंने चीजें डाली हुई थी, क्या कुछ समझना, अच्छा खासा दही बना लेकिन फिर भी समझ नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं मैं ले सका, कुछ बेसिक लर्निंग जरूर ले रही होगी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है राइट, वो इंपॉर्टेंट चीज है, इनका एक और प्रोग्राम है एलीट का, उसका भी एक्सेस इन्होंने दे दिया है यहाँ पे राइट। और मैं अगेन मैं आपको अगर ये बताऊं, जैसे इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया 31 मार्च से अप्रैल 15 तक, जो लोग आज रात 12 बजे तक जो कि उनके टाइम के मुताबिक अपने अकाउंट बना लेंगे, वो नेक्स्ट फ्री 15 डेज तक इसको यूज कर सकेंगे। इसके ऊपर अकाउंट बनाए, जो मैंने ग्रुप दिया उसको ज्वाइन करें, और 15 दिन के बाद फिर मुझे बताना कि तुम चेंज हुए, तुम्हारे माइंडसेट अप्रोच चेंज हुई या नहीं हुई, उन लोगों के लिए जो रियल काम करना चाहते हैं, जो नहीं काम करना चाहते बैठ के कि जनाब कोई कोर्स आके सीख ले, कोई कर ले और काम भी कर जाए, तो जनाब फिर नहीं है, फिर नहीं है, उनके लिए काम करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और आई विल इंशाल्लाह ताला हेल्प यू गाइड यू राइट। सो अगर मैं इसके अंदर आपको कैसे अकाउंट करना है यार, सिंपल जाए डिजिटल मार्केटर .com लैब प्लस पे चले जाए, यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंपल जाके अपना फ्री अकाउंट बना लें, उस अकाउंट के बाद जो है आपको ये लिंक आ जाएगा, बल्कि मैं डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ, अगर डायरेक्ट लिंक बनाते हैं डायरेक्ट लिंक पे चले जाए, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें फ्री में ठीक है, आपको ईमेल तो आ जाएंगी डिजिटल मार्केट .com की तरफ से आएंगी, उसको कर लें। और अगर यू वॉन्ट मी टू कोच यू फॉर द नेक्स्ट 15 डेज हाउ दिस एक्सेस कैन बी हेल्पफुल यू, क्या करें, कैसे करें, किस तरह फॉलोअप करें, क्या लर्निंग्स करें, नोट्स कैसे बनाएं और क्या चीजें लेके आप मूव फॉरवर्ड, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला आई विल गोइंग टू बी हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, और एक मिनट ठीक है। सो ये चीज है, अगर मैं आपको एक्सेस बता सकूं ठीक है, अरे जज्बात देख रहे हैं
वो इसीलिए कि मुझे पता है कि ये कितनी वैल्यू, मैं एक जमाने पे इसका जो पार्टनर लाइसेंस है जो $10,000 सालाना है उसको बाय कर रहा था ताकि मैं लाइसेंस लेके ये लोकल मार्केट में प्रोवाइड कर सकूं, इतना डीप मैं इनके साथ गया हुआ था। बट अगेन फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट पार्ट। और लेट मी गिव यू शो यू इसके अंदर क्या है और कैसे चीजें करनी, जस्ट फॉर द ग्लिम्प्स, ताकि आप लोगों का अंदाजा हो जाए और क्या चीजें। और नेक्स्ट 15 डेज अगर आप मेरे साथ लगाते हैं इसको ज्वाइन करने, पहले मेरे साथ ना लगाए यार, ना करें ठीक है, मेरे साथ ना करें, आप खुद कर लें। बट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड कि जनाब यूसुफ साहब आपको कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उनकी नॉलेज है, कुछ लर्निंग्स है और शायद आप इससे ज्यादा फायदा उठा लें, तो फिर मैं जो है ना आपको अपडेट करता हूँ कि फिर क्या कुछ हम कर सकते हैं। लेट मी 1 मिनट लॉग इन कर लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और किन्हों ने ज्वाइन क्यों साइन अप क्यों नहीं कर रहे, सवाल मेरा ही है यार। अकाउंट बना के बंद कर देना, 15 दिन बाद बना लो, काम नहीं करना मुझे। हाँ जी, किस किसने अकाउंट बना लिया है? अच्छा ना बनाया यार, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं बनाना जिसने ना बनाया, ठीक है। मेरे जब से कोरोना और घर में आप लोग बैठे हैं सारा कुछ ना, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आई मे बी एबल टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं, बट नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी कैसे क्या चीज, एक आके जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो है ना सब कुछ करने का भी फायदा नहीं होता, उसका रीजन पर्पज ना हो। सो ये चीज हाथ लगी है। अब 15 दिन मैं होंगे, आप होंगे, एक ये काम किया, एक हमने कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च की थी उसमें फोकस था और फिर ये था, राइट। सो 15 दिन में सारा फुल डेडिकेटेड फोकस इस पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। और मेरी स्क्रीन अगर आपके पास आती है तो अपडेट मी और फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लेता हूँ और फिर बातें करते हैं। मैं एक मिनट जरा दिखा दूँ आपको, ये लॉग इन है जब आप करेंगे अकाउंट के अंदर, जो चीज मैं एक और बताना चाह रहा था जो इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ अपने पेज के ऊपर, और यहाँ पे इसीलिए मैंने अपने मेल के अंदर या आप लोगों को बताया, तो ये प्रोग्राम $97 पर मंथ का नहीं है, ये प्रोग्राम जो एक्सेस दे रहे हैं ये $295 पर मंथ वाला प्रोग्राम का एक्सेस दे रहे हैं। इसके अंदर ये इलीट वर्कशॉप्स होती हैं, और अगर मैं इलीट वर्कशॉप आपको दिखाना चाहूं जरा देखिएगा, राइट। इलीट वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जिनके बड़े बिजनेसेस हैं और जिसको ग्रो हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। इसके जो प्राइस है वो $295 पर मंथ है। यहाँ पे हर वीक एक टॉपिक के ऊपर एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं जो कि पूरा 10 डेज का प्रोसेस करता है, ट्रेनिंग से लर्निंग से इम्प्लीमेंटेशन तक। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप स्टेप देखें कि एलीट में क्या होता है, पहले ट्रेनिंग है, कॉन्टेंट है, ठीक है, और ये 10 डेज का प्रोसेस है। पहले 2 दिन लर्निंग है, वर्कशॉप है, पूरे 6 से 8 घंटे की पूरे दिन की वर्कशॉप है, राइट। वहां पे लोग बैठे हुए भी हैं, ऑनलाइन भी लोग सवाल पूछते हैं। उसके बाद स्टेज जो है वो सेकंड आती है इम्प्लीमेंटेशन, 3 से लेकर 8 डेज 7 डेज तक आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब आप लोग समझा दीजिए जो इस ग्रुप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं पेड मेंबर, वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती है कोच होता है उसको गाइड करता है। 8 से 9, 2 दिन जो लास्ट सेकेंड लास्ट के हैं, 8 और 9 दिन, 8वें दिन और 9वें दिन वहां पे फीडबैक का काम हो रहा होता है, हेल्प आउट किया जा रहा था, वो ट्रेनर हेल्प आउट कर रहा होता है कि उनके प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कहाँ कहाँ चीजें फिक्स करना जरूरी है, और 10वें दिन वो इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब लर्निंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का ये पूरा डिटेल प्रोग्राम है, राइट। इसीलिए इस प्रोग्राम की जिस तरह इन्होंने बात किया, एलीट वर्कशॉप है पहले दिन, फिर एलीट ऑफिस आवर है, पहले दिन ट्रेनिंग हो गई, दूसरे दिन ऑफिस आवर, जो क्वेश्चन है वो आप कैसे पूछते हैं लोग, ठीक है, वो कोच हेल्प आउट करता है। 3रे से 7वें दिन तक मास्टरमाइंड होता है, लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उस टास्क के ऊपर, राइट। 8वें दिन क्रिटिक होता है, 9वें 10वें दिन शिप में से मुराद उस प्रोडक्ट वो चीज लॉन्च हो जाती है, राइट। सो ये वाला प्रोग्राम भी इन्होंने अब जानबूझ के दिया, कैसे दिया, बट ये भी एक्सेस उन्होंने आपको दे दिया इसके अंदर। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखते हैं यहाँ पे जाके $295 पर मंथ का है। जब इन्होंने ये देखा ना तो मेरे ढक्कन और ऊपर हो गए कि ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और इस वर्कशॉप आप हजम नहीं कर सकते, इतना कंटेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट।
अब यहाँ पे आजकल चैट बॉट का है राइट, और अगर मैं यहाँ पे दो तीन का बताऊं जो भी मैं रिसेंटली खुद भी देख रहा था, रायन लेविस की, ठीक है, जो आस मेथड का फाउंडर है, ये खुद बंदा $4 मिलियन मंथ तो नहीं, ईयरली जो है ना बिजनेस कर रहा है, 5.5 घंटे की ये वर्कशॉप है राइट, और इसके अंदर रिसोर्सेज वगैरह भी, और अगर आप उसको रिज्यूम करते हैं यहाँ पे जाते हैं तो पार्ट वन है, पार्ट टू है, पूरा और पूरी आप अगर उसका देखें तो सारे जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा, सामने नजर आ जाएगा कि बड़ी जबरदस्त LCD दी हुई है जो कि क्लियर है, फिर जूम इन भी करते हैं जहां पे करना जरूरी है, हर पॉइंट बता रहे हैं, और बेस्ट है। मतलब मेरा अगर बस चले तो मैं तो सबको बिठा के हर कंटेंट को गो थ्रू करवाऊं और घोल घोल के पिलाने की कोशिश करूं, क्योंकि एक बंदा अगर मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटर से सर्टिफाइड हूं, मुझे और कुछ नहीं पूछना, मैं बस काम दूंगा, ये करके दिखाओ बस मुझे, लेट मी जस्ट टेस्ट इट आउट, और बस तुम पक्के हो राइट। बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, आप खुद के लिए, खुद के बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए, और आने वाला वक्त यही है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर बिजनेस डिजिटल की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दिस इज फॉर यू। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू। अगर आप किसी के बिजनेस की प्रमोशन करना चाहते हैं, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू राइट। कोई भी काम डिजिटल रिलेटेड करना चाहते हैं, यू नीड टू मार्केट इट, एंड दिस इज फॉर यू। सो ये चीजें, और भी बहुत कुछ इसके अंदर चीजें आ रही है। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने सर्टिफिकेशन की आपको बात की थी, यहाँ से जाके आप सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह डिजिटल मार्केटर मास्टरी, 16 घंटे का ये कंटेंट है, और घंटा बच जाता है दिमाग का जब ये इतना डीप कंटेंट है, इसके अंदर इतनी ज्यादा लर्निंग्स है कि आपको पता चल जाता है। और अगेन ये आप देखें, इन्होंने नया कोर्स डाला, इसका एक्सेस बंद है, लाइक हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। अब इन्होंने अब एक और अब सेल को फनल को प्ले किया, अब ये कॉन्टेंट है 61 आवर्स का, ठीक है, और इसको अगर मैं प्ले करता हूँ 6.1 आवर का, एक्साइटमेंट जज्बात उभर रहे हैं यूसुफ साहब के, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्टर है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम वगैरह करती है राइट, फेसबुक से रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ों को अपडेट किया हुआ है, और सारी चीज़ें अगेन अच्छा। आप देखें एक और चीज़ है, अगर आपने जंप नहीं मार सकते, देखें पता है ना लॉजिक लोगों की क्या करते हैं कि आते हैं पहला कॉन्टेंट देखा, सारे कंटेंट देखकर टक 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 सारे पेजेस ओपन करना शुरू कर दिए कि यार अच्छा इसमें क्या इसमें, और करना कुछ नहीं है। इन्होंने अनलॉक किया हुआ है, भाई सबर कर लो, 6 घंटे का कंटेंट है, तुम आखिरी वीडियो पे जा रहे हो, तुम्हें सबको एक्सेस देंगे, पहले पहली वीडियो वॉच कर लो, उसके अंदर चीजें इंप्लीमेंट कर लो, फिर दूसरी कर लो, आपके लिए ये ठीक है। अब अगर इंप्लीमेंट लर्निंग करनी है तो लर्निंग का प्रोसेस दिया हुआ, ठीक है, तो अगर आप पहली वीडियो को देखेंगे उसके बाद आगे सेकंड पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आप देख लेंगे। सियाने ने उनको पता है अगर सारी चीजें खोल के दे दें तो आम और लोग जो मुफ्त में आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारी चीजें जमा कर लें, काम नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी राइट, तो उनसे बचा रहे हैं। जाहिर सी बात है बिजनेस को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। इसी तरह जो प्ले बुक्स की बात हुई थी कि ये जो प्ले बुक्स हैं कंपिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और अभी साहब फन बात कर लेते हैं फेसबुक एड प्ले बुक, ठीक है, इसको जरा ओपन कर लेते हैं राइट, और यहाँ पे डाउनलोडेबल रिसोर्सेज है राइट, सो जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और काफी चीजें, कोल्ड ट्रैफिक क्या होती है, हॉट ट्रैफिक क्या होती है, हाँ जी हॉट कॉफी तो सुनी है, कोल्ड कॉफी भी सुनी है, कभी ट्रैफिक के बारे में सुना है क्या, हॉट क्या होती है, कोल्ड क्या होती है, वार्म क्या होती है राइट, आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि जनाब मार्केटिंग इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। और अगर आप इसको सिस्टम से समझ लेते हैं तो फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि फेसबुक बैठे और एक जो है ना $5 लगाए, एड रन किया और 4 सेल्स आ गए, वो हम मार्केटर हो गए, दिस इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग राइट, उसके अंदर बहुत डीप है, बहुत कुछ जाना पड़ता है अगर आपने ग्रो करना है। हाँ टेम्परेरी काम करना, चल सो चलाओ वाला काम करना तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनसाइडर ट्रेनिंग्स वगैरह है, वो भी आपको कुछ काफी कुछ मिल जाएगा राइट, और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिटेल ट्रेनिंग्स वगैरह दी हुई है। जिस तरह यहाँ पे Amazon मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजी दी हुई है, ठीक है, और लाइव SEO ऑडिट, ठीक है, और WhatsApp फॉर मार्केटर्स, इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जनाब बहुत कुछ है हर किसी के लिए, इसीलिए मैंने कहा वो 15 दिन का मैंने ग्रुप कोचिंग रखी है, सरदर्दी ले रही है, बट आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज एंड लेट सी कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। और जो विजन मैं ये देख रहा हूँ, वॉट इफ के इसके बाद हमारी कम्युनिटी के अंदर आप
10 15 20 50 100 150 250 बंदा डिजिटल मार्केटर का सर्टिफाइड हो, सारे नहीं स्पेसिफिक जो चीजें की हुई उसके बारे में नॉलेज हो, राइट। ना सिर्फ आप उससे अपने बिजनेसेस को हेल्प आउट कर सकेंगे, उनकी ग्रोथ के लिए काम कर सकेंगे, बल्कि क्लाइंट को भी सर्विसेज दे सकेंगे। और मार्केट में डिजिटल मार्केटर जो हैं ठीक है, उनको आप टफ कंपटीशन देंगे, या तो वो मार्केट से आउट होने की सोचेंगे या वो भी अपने आप को ऊपर लेके आएंगे। सो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला, राइट। सो आर यू रेडी उनको टक्कर देने के लिए? तैयार है तो फिर तगड़े हो जाए, राइट। और काम आपको करना पड़ेगा, कोचिंग गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। और लेट्स सी कि क्या कुछ हम करते हैं। सो ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है और ये चीजें भी दे दी। अब आपके कुछ सवालात हैं, कोई चीज है तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। हाँ जी, अकाउंट बना ली है तो गुड है। और एक और चीज, आज इसका आखिरी दिन है, प्लीज शेयर इट इन योर सर्कल, राइट। और आपको नहीं पता कि किसका भला हो जाए, शेयर करें। अगर ग्रुप करके शेयर कर सकते हैं तो ग्रुप भी शेयर कर दें, अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर ले, नहीं तो एटलीस्ट इस लिंक को शेयर कर दें अपने सर्कल के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें और उससे फायदा उठा सकें और हम ओवरऑल हर कोई ग्रो कर सके, राइट। सो जी जनाब, कोई सवाल कोई चीजें तो पूछ सर। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग और एनी सेल्फ डेवलपर हु इज ऑलरेडी इन टू डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल डीजी स्किल सर्टिफाइड, व्हाई शुड ज्वाइन? डीजी स्किल आपने किया है ना सर्टिफिकेशन, इसको ज्वाइन करो और फिर मुझे बताना कि आप किस तरह रेट करते हो। डीजी स्किल्स को मैं 1% रेट करूंगा, राइट। इसको मैं 99% रेट करूंगा, ठीक है। डीजी स्किल में जो आपने सीख लिया वो 1% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली है, बाकी 99% सीखनी है तो ये रहा, डिसीजन इज योर्स। व्हाट वी आर लर्निंग इन नेक्स्ट 15 डेज, आपको ये फुल एक्सेस होगा, आप जो मर्जी इसमें से सीखें, ठीक है। जो मैंने कोचिंग प्रोग्राम जो कह रहा हूं 15 दिन की, मैं कोचिंग फ्री उस ग्रुप में करूंगा, उसके अंदर मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और हम इसी तरह बल्कि जूम पे लाइव बैठे होंगे और सवाल आप मुझसे पूछोगे, सर मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, आप क्या कहते हैं, ये कर लूँ, ठीक है। आप लेट्स सपोज एक बंदा कहता है मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा भाई आज तक ई कॉमर्स में कुछ किया, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट, किस लिए करना चाहते हो, क्या एंगल है, क्या पॉइंट्स है, राइट। बहुत सी चीजें जो सवालात में आपसे, कोचिंग क्या होती है, कोचिंग में आप अजम्पशन नहीं करते, मैं ये नहीं कह सकता जितना भी, अभी मैं अजम्पशन कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि यार ये है ज्वाइन कर लें, कोई भी ट्रेनिंग कर लें जितना मैंने आपको अच्छे दे दिया, कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें, कोई भी वहां पे जो वर्कशॉप है उसको अटेंड कर लें, अब आप कर सकते हैं। बट कोचिंग में क्या होती है, आप सवाल पूछते हैं कि जनाब क्यों करना चाहते हो, अच्छा पहले क्या बैकग्राउंड है, पहले क्या नॉलेज है, राइट। अब जिस तरह कोई बंदा मुझसे पूछे जिसको ना डिजिटल मार्केटिंग का लीड में पता है, जिसको ना लीड मैग्नेट का पता है, ना जिसको फनल का पता है, ना कन्वर्जन का, पूछा है कि सर मैं डाटा के ये कोर्स करना चाहता हूँ, तो जब मैं अगर उसे सवाल पूछूंगा और मुझे पता चलेगा उसको ये चीजें नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगा, बेटा अभी इसको छोड़ दे, 15 दिन में नहीं होनी तुझसे, और अगर हो भी गई तो तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम वो वाली स्किल या वो वाला कोर्स या वो वाला सर्टिफिकेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम कर लो, ताकि तुम्हारा हुनर या तो आ जाए या पॉलिश हो जाए, ठीक है, दैट इज मच बेटर ना। तो ये है कोचिंग। सर रजिस्ट्रेशन के टाइम कंपनी नेम मांग रहा है, कंपनी नेम दे दो ना यार, आपका नाम ही आपकी कंपनी है, कंपनी नेम नहीं है तो उसको छोड़ दें, अगर फिर भी मांगता है तो अपना पर्सनल नाम दे दें, ठीक है। तो बस ये चीज है। अच्छा सर, इसमें मैनी चैट फ्लो सिखाया जाएगा? मैनी चैट की भी आई गेस है ट्रेनिंग, वो भी उसके अंदर होगी, मैंने देखी थी लास्ट टाइम मैनी चैट की ट्रेनिंग थी, बिल्कुल। फेसबुक एड्स भी यहाँ पे सिखा रहे हैं। हाउ मच टाइम दिस विल फ्री? 15 आज रजिस्टर करना जरूरी है, लास्ट रजिस्ट्रेशन आज के लिए ओपन है, 15 अप्रैल, 15 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। और मैं ही अगेन दूसरे ग्रुप में शायद बात हो रही थी, ये नहीं देखना कि 15 दिन के बाद क्या होगा, ये देखना कि 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन में एक सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट ऑनेस्टी से लर्निंग के साथ नहीं कर सकते तो बस कुछ समझ गए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है जनाब, तो ज्वाइन कर लिया है तो गुड है, अच्छी बात है, फिर आपको ग्रुप में मिलते हैं, ग्रुप में बाकी चीजें डिस्कस होंगी, अगर आपको समझ आती है इसमें वादा है किसी को फायदा हो सकता है तो इसको शेयर कर दें अपने सर्कल के अंदर और वो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकता है। और अगेन वो अगर चाहता है कि मैं उसको कोई गाइडेंस दूं या वो उस ग्रुप में आना चाहता है जिसमें सारे वही लोग बैठे होंगे, जो 15 देर हम सबका फोकस ये होगा कि इस प्रोग्राम से ज्यादा लर्निंग्स
कर रहे हैं जिसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, फेसबुक ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर वही रहेगा जो काम करेगा। ग्रुप मेरा, मेरी मर्जी, ठीक है, कहानियां सुननी नहीं है, ठीक है, जिसके पास अकाउंट होगा, जो काम करने को तैयार होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो थीम है, लेट्स ग्रो टुगेदर। एक बंदा 11 सर्टिफिकेशन है, लेट्स अज्यूम 10-10 बंदे एक एक सर्टिफिकेशन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, वी विल हैव 110 बंदे जो कि डिफरेंट चीजों में सर्टिफाइड होंगे और आप कलेक्टिवली डू अ लॉट मोर एंड लॉट बिगर, ठीक है। सो आई होप चीजें कन्वे हो रही होंगी, ठीक है सर, बस ठीक है। इट विल यूजफुल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग और प्रोग्राम, बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते यार। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना होता है, सेल करनी होती है ना, सेल किस तरह करते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के तहत लेके आते हैं या एसईओ के तहत लेके आते हैं या सोशल मीडिया के तहत लेके आते हैं, तो जनाब सिखा रहे होंगे आपको, राइट। तो ये चीजें हो गई, मकसद सिंपल इस मेरे वीडियो का करने का ये था कि जनाब आई एम बैक विद एन एक्शन, ठीक है, 15 दिन मैं होंगे, आप होंगे, वो ग्रुप होगा, लर्निंग करेंगे और लेट्स सी के दोनों मिलके जो है सीखने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगेन, या तो कोरोना के लिए हम टीवी देख के रोते रहें कि कोरोना आ गया कब जाएगा और रोते रहें, या टिकटॉक पे बैठे रहें, यूट्यूब पे बैठे रहें, अपना टाइम वेस्ट करें, या अपने आप को ग्रो करें, लर्न करें और डिफरेंट टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरें, ताकि 15 दिन के बाद आई होप कि कोरोना भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, एटलीस्ट वी गॉट समथिंग फ्रॉम दिस टाइम रादर देन वेस्टिंग इट, ठीक है। तो ठीक हो गया, गुड हो गया, दो हमें याद रखें और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगेन लास्ट ये है कि ये फ्री एक्सेस है, इसको ज्वाइन कर लें और डिजिटल मार्केटिंग है। इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन एनी बिजनेस और थिंकिंग अबाउट डूइंग एनी बिजनेस ऑनलाइन, यू नीड टू डू डिजिटल मार्केटिंग। इट कैन बी फ्री, इट कैन बी पेड, इट मीन्स यू नीड टू हैव दिस प्रोग्राम और दिस कोर्स या दिस वीडियो को एक्सेस करना जरूरी है और इधर से आप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे ग्रुप के अंदर, वहां पे हम कुछ और चीजें बातें करेंगे, तो पीपल हु आर देयर मिलते हैं वहां पे, थैंक यू, टेक केयर, इसको शेयर करें, इसको ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं मिला, मुझे आपकी दुआएं मिलेंगी और 15 दिन मजा आएगा क्योंकि आई लव चैलेंजेस, ठीक है, और थैंक यू, चलो काम करते हैं, बातें नहीं करनी।